हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक देने जा रहा हूँ जिससे आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या फैराडेज लॉ पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको आप बहुत इजीली कर लोगे। तो देखो, ट्रिक का पॉइंट बहुत सिंपल है। जहाँ पे भी मैं इक्विवेलेंट लिखूँगा उसको EQV से लिखूँगा, इक्विवेलेंट को। ओके, तो फैराडेज लॉ पे बेस्ड या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से आने वाले किसी भी क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, सिंपल इस ट्रिक से करना है। आपको क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा रहा है उसको अभी ध्यान नहीं देना, आपको क्या कर लेना है, किसी भी तरह आपको इक्विवेलेंट निकाल लेना है। ट्रिक का फंडा क्या है, ट्रिक का कंसेप्ट क्या है कि आपको किसी भी तरह इक्विवेलेंट निकाल लेना है उस क्वेश्चन में। और कैसे निकालना है, तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या गिवन है। अगर मोल गिवन है तो n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, उससे आपका इक्विवेलेंट आ जाएगा, राइट। सपोज करो मोल नहीं गिवन है, करंट और टाइम गिवन है, तो करंट किस में होना चाहिए ये ध्यान रहे, करंट एम्पियर में होना चाहिए और टाइम सेकंड में होना चाहिए। अगर करंट एम्पियर में है, टाइम सेकंड में है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और 9650 से डिवाइड कर दो, तो आपका इक्विवेलेंट आ जाएगा। अगर चार्ज गिवन है कूलम में, C का मतलब यहाँ पे कूलम है, अगर चार्ज कूलम में गिवन है तो 9650 से डिवाइड कर दो, आपको इक्विवेलेंट आ जाएगा। या फिर क्वेश्चन में बोल दिया कि इतना फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास किया, तो जितना फैराडे उतना ही इक्विवेलेंट। ध्यान से समझें कि आपको क्वेश्चन को पढ़ कर करके समझ में आ जाएगा कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला लगाना है टू फाइंड द इक्विवेलेंट, क्योंकि आपका पहला एम होना चाहिए कि इक्विवेलेंट हम निकाल लें। तो इक्विवेलेंट मोल इनटू एन फैक्टर, अगर मोल गिवन है तो, या फिर करंट टाइम गिवन है तो इस फॉर्मूले से, चार्ज गिवन है तो इस फॉर्मूले से, या डायरेक्टली वर्ड में बोल दिया कि इतना फैराडेज पास हुआ है इलेक्ट्रिसिटी, तो जितना फैराडेज होता है उतना ही इक्विवेलेंट होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितना फैराडेज होता है उतना इक्विवेलेंट, क्योंकि कभी कभी इक्विवेलेंट ना बोल करके बोल देता है इतना फैराडेज या फाइंड नंबर ऑफ फैराडेज, राइट। तो डेट मीन्स आपसे क्या पूछा जा रहा है, इक्विवेलेंट पूछा जा रहा है। दूसरा एक और तरीका है, अगर नॉर्मलिटी गिवन है तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम शुड बी इन लीटर, राइट, तो भी आपको इक्विवेलेंट आ जाएगा नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम से। तो टोटल ध्यान से देखो, पांच फॉर्मूले आपके पास, डिपेंडिंग कि क्वेश्चन में क्या मेंशन है उससे आप क्या निकाल लेंगे, इक्विवेलेंट। नाउ क्वेश्चन इज कि मोल के निकालने का एक और तरीका है, राइट, जो ऑलरेडी आप जानते हो। हो सकता है डायरेक्टली मोल ना दे, तो क्या दे सकता है कि इतना मास डिपॉजिट हुआ या इतना मास लिबरेट हुआ। तो अगर वेट गिवन है तो मॉलिकुलर वेट से डिवाइड कर दो, अगर मॉलिक्यूल है तो, एटम है तो एटॉमिक वेट से, तो मोल आ जाएगा, राइट। और फिर उसको एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्विवेलेंट आ जाएगा। सिमिलरली अगर मोलारिटी गिवन है तो वॉल्यूम इन लीटर से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से भी मोल आ जाएगा। या फिर हो सकता है वॉल्यूम एट STP गिवन हो तो 22.4 लीटर से डिवाइड कर दो, यहाँ से भी मोल आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आपको मोल किसी तरह निकाल लेना, राइट। या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन है तो एवोगाड्रो नंबर लाइक 6×10³ से आप डिवाइड कर दो। तो वेरी सिंपल है, मोल हो सकता है डायरेक्टली ना दे, तो इनडायरेक्ट वे में इसमें से कोई इन्फॉर्मेशन है तो मोल आ जाएगा, एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्विवेलेंट आ जाएगा, राइट। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर ये एन फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो वेरी सिंपल, एन फैक्टर निकालने के लिए आपको सिंपल सा पॉइंट है, अगर वो आयंस की बात कर रहे हो, तुम आयंस पे अगर लगा रहे हो तो जो चार्ज होगा आयन पे वही उसका एन फैक्टर हो जाएगा। जैसे कॉपर प्लस 2 का अगर एन फैक्टर पूछे तो 2, चार्ज 2 है। Cl माइनस तो उस पर -1 चार्ज है तो 1। तो आयंस के केस में तो बहुत ईजी है, चार्ज ऑन द आयन वही हो जाएगा एन फैक्टर, राइट। मॉलिक्यूल्स का अगर निकालना हो तो मॉलिक्यूल्स के केस में आपको ये देखना है कि उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन, राइट, तो एक हाइड्रोजन को एक चाहिए, दो हाइड्रोजन है तो दो हो जाएगा। सिमिलरली एक ऑक्सीजन को दो चाहिए, यहाँ पे दो ऑक्सीजन है तो चार हो जाएंगे। सिमिलरली एक हैलोजन को, डैट मीन्स क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इन सबको एक चाहिए, दो है तो दो हो जाएगा। और ये याद भी रखना है डायरेक्टली, ये तो समझा भी दिया, यही मैक्सिमम 99% केस में यही सब यूज होंगे। तो हाइड्रोजन का 2, हेलोजन का भी 2, ऑक्सीजन का 4, कैसे, वेरी सिंपल, हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, दो हाइड्रोजन है तो दो, ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, दो ऑक्सीजन है तो चार, एंड हेलोजन को एक चाहिए क्योंकि लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, दो है तो फिर दो। तो ये हो गया।
रिएक्शन के केस में कैसे निकालेंगे, तो रिएक्शन के केस में आपको देखना है कि कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, और ध्यान दें पर मोल के लिए निकालना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक मोल के लिए कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मान लो ये रिएक्शन लिखी हुई है, अब इसमें आपको जिसका निकालना है, ध्यान दें एन फैक्टर पर्टिकुलर आयन या कंपाउंड का निकलता है, तो जैसे अगर मुझे वाटर का निकालना है एन फैक्टर, तो ध्यान से देखो इसके दो मोल के लिए चार इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, राइट, रिएक्शन बैलेंस है तो दो के लिए चार का हो रहा है, लेकिन हमें निकालना कितना वन मोल के लिए, तो दो के लिए चार हो रहा है तो वन मोल के लिए कितना हो जाएगा दो, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा आपका दो। सिमिलरली अगर मान लो कि मुझे एच प्लस का निकालना है, तो ध्यान से देखो इसके चार मोल के लिए चार रिक्वायर्ड हो रहा है, चार के लिए चार तो एक मोल के लिए एक हो जाएगा, तो इसलिए इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा वन। सिमिलरली अगर ऑक्सीजन का निकालना है मुझे तो बोलो, तो ध्यान से देखो ऑक्सीजन का आगे कोफिशिएंट कितना है वन, तो वन मोल के लिए कितना रिक्वायर्ड हो रहा है फोर, तो वन के लिए फोर और पर मोल का ही निकालना है, तो एक मोल के लिए चार, तो इसलिए उसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा चार। तो यहाँ से भी देखो ऑक्सीजन का मैंने चार ही लिखा था और यहाँ हाइड्रोजन का वन लिखा था, आयंस के केस में चार्ज में उस पर प्लस वन चार्ज है तो वन हो जाएगा, राइट। तो ये एन फैक्टर बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है, आयंस मिलेंगे तो जो चार्ज होगा मॉलिक्यूल में फिक्स हो गया यही होंगे, और रिएक्शन के केस में अगर निकालने की जरूरत पड़ी, वैसे तो पड़ेगी नहीं, अगर पड़ी तो वन मोल के लिए कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है वो आपको निकालना है, ओके। नाउ व्हाट इज फैराडे सर, व्हाट इज फैराडे, फैराडे एक साइंटिस्ट का नाम था, और उनका कहना था कि जो चार्ज ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, एक मोल इलेक्ट्रॉन का जितना चार्ज होगा उसको उसने अपने नाम पे फैराडेज बोल दिया उस नंबर को, तो वन मोल मतलब कितना हो गया 6 × 10³, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, तो इस नंबर को आप मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रॉक्सीमेट 9650 आएगा इतना कूलम, तो ये कितना बड़ा नंबर बार बार यूज करना पड़ता है, इसलिए उसने इस नंबर को बोल दिया कि वन फैराडेज बोल दो। जैसे 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, तो 100 एक बड़ा नंबर है, राइट, बोलने में टाइम जाता है, तो 100 सेंटीमीटर को आपने कितना इक्विवेलेंट कर दिया 1 मीटर के इक्विवेलेंट के, तो वैसे ही इतनी बड़ी क्वांटिटी को उसने बोला कि इसको 1 फैराडे मान लो अपने नाम पे रख दिया, तो 1 फैराडे मतलब 9650 कूलम। इसीलिए ध्यान से देखो चार्ज अगर कूलम में गिवन होगा तो हमने उसको किससे डिवाइड किया है 9650 से। सिमिलरली चार्ज क्या हो जाएगा करंट इनटू टाइम, इसलिए हमने किससे डिवाइड किया 9650 से, तो 1 फैराडे का ये मतलब है। नाउ फैराडे का जो सेकेंड लॉ था उसका ये कहना था कि अगर आप सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो हर इलेक्ट्रोड पे, तो फिर हर इलेक्ट्रोड पे क्या होगा इक्विवेलेंट सेम होगा, बस ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर एक गिवन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अगर आप सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो हर इलेक्ट्रोड पे इक्विवेलेंट सेम होगा, ध्यान दे क्या सेम होगा इक्विवेलेंट, वेट सेम होगा ऐसा नहीं बोला, मोल सेम होगा ऐसा नहीं बोला, ध्यान दे ना वेट सेम होते हैं ना मोल सेम होते हैं, क्या सेम होते हैं इक्विवेलेंट, इसलिए मैंने इक्विवेलेंट पे जोर दिया, हर इलेक्ट्रोड पे चाहे वो एनोड हो कैथोड हो दोनों पे ही इक्विवेलेंट क्या होंगे सेम होंगे, हम इक्विवेलेंट को इक्वल कर देंगे, ये हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, और इक्विवेलेंट इक्वल कर करके फिर हम जो अननोन होगा वो निकाल सकते हैं। तो आपको आई होप ये ट्रिक का फंडा समझ में आ गया होगा कि हम, या ये कंसेप्ट का फंडा समझ में आ गया होगा कि हम क्या करने जा रहे हैं, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सबसे पहले आपका काम है इक्विवेलेंट निकालना, और इक्विवेलेंट अगर एनोड पे निकल गया है तो वही कैथोड पे होगा इक्वल कर देना उससे अननोन आ जाएगा, या कैथोड पे आ गया है तो वही एनोड पे भी होगा और इक्वल कर देना उससे हमारा आंसर आएगा। अभी मैं एप्लीकेशन लूँगा तो आपको समझ में भी आएगा, तो आप एक मर तो इसको अच्छे से समराइज कर लीजिए। एक और ट्रिक का पॉइंट ये है कि अगर आपको रिएक्शन के केस में एन फैक्टर निकालना हो तो कैसे निकालना, वेरी सिंपल ट्रिक है, ध्यान से देखो इन केस ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के केस में आप एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, आप क्या कर लेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज निकालेंगे इनटू नंबर ऑफ एटम, उसको मैं अप्लाई करके बताता हूँ। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखो क्रोमियम प्लस 6 में और इधर यहाँ पे 3 में, राइट, तो चेंज अगर इसका मुझे एन फैक्टर निकालना, ध्यान दे एन फैक्टर इंडिविजुअल का निकलता है, अगर इसका निकालना है तो चेंज तो 6 से 3 का, तो 3 का चेंज हुआ, नंबर ऑफ एटम इसके कितने 2, तो कितना हो जाएगा 6, राइट, क्योंकि ऑक्सीजन का दोनों तरफ चेंज नहीं होगा, अगर उसका चेंज होता तो मुझे उसका भी लेना पड़ता।
सिमिलरली अगर इसका निकालना होगा तो चेंज तो अभी भी 3 से 6 तो 3 का ही रहेगा राइट, लेकिन नंबर ऑफ एटम इसके 1 है तो इसका कितना होता है 3। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ से यहाँ तक में तो यहाँ पे कार्बन प्लस 3 में, यहाँ पे कार्बन 4 में राइट, तो अगर इसका निकालना है इनफैक्टर तो 3 से 4 में क्या चेंज हुआ 1 का, नंबर ऑफ एटम 2 तो यहाँ पे इनफैक्टर होगा 2। जबकि अगर इसका निकालना होगा तो चेंज तो अभी भी 1 का है लेकिन नंबर ऑफ एटम एक ही है तो यहाँ पे 1 होगा। बस ये पॉइंट ध्यान देना, यहाँ पे अगर आपको निकालना हो तो ध्यान से देखो प्लस 1 से 0 में चेंज आपका हो गया 1 का, तो 1 इंटू नंबर ऑफ एटम 1 तो 1, और यहाँ पे भी 1 चेंज का और नंबर ऑफ एटम 1 तो 1, तो ऐसा भी हो सकता है सेम हो जाए। तो बस यही कन्फ्यूजन आपका दूर करने के लिए मैंने ये सब एग्जांपल लिया है कि एन फैक्टर इंडिविजुअल निकलता है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों तरफ तो सेम ही रहेगा, नंबर ऑफ एटम से फर्क पड़ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में आयरन यहाँ पे आपका 8/3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे 0 में राइट, तो अगर मुझे इसका निकालना होगा तो चेंज कितना हो गया 8/3 माइनस 0, 8/3 का नंबर ऑफ एटम कितने है तो 3, तो यहाँ पे कितना आएगा 8। जबकि यहाँ पे अगर मुझे निकालना होगा तो चेंज कितने का हो गया 8/3 का, नंबर ऑफ एटम कितना है 1, तो कितना हो जाएगा 8/3। वेरी सिंपल। सिमिलरली अगर मुझे मान लो यहाँ पे निकालना हो तो यहाँ पे आयरन प्लस 3 में, यहाँ पे आयरन प्लस 2 में, तो चेंज आपका तो 1 का हो गया, नंबर ऑफ एटम 2, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2 राइट। और यहाँ पे अगर निकालना हो तो चेंज तो अगेन 1 का हुआ लेकिन एटम एक ही है तो यहाँ पे हो जाएगा 1। बस ये पॉइंट ध्यान में रखना है। सिमिलरली यहाँ पे Mn7 में और यहाँ पे 2 में, तो चेंज 5 का एटम 1, तो कितना हो जाएगा 5। यहाँ पे अगर निकालें तो चेंज तो 5 का लेकिन एटम भी 1 है तो क्या हो जाएगा 5। तो इस तरीके से आप इजीली निकाल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट अगर मान लो कि मुझे इसका निकालना है तो यहाँ पे आयरन आपका कितना में प्लस 2 में, कार्बन कितना में प्लस 3 में, ऑक्सीजन कितना में माइनस 2 में, सबका ऑक्सीडेशन स्टेट लेफ्ट साइड में लिख लेना, राइट साइड में आयरन प्लस 3 में ये दिख ही रहा है, कार्बन आपका प्लस 4 में और ऑक्सीजन अभी भी माइनस 2 में। तो अगर मुझे इसका निकालना है तो ध्यान से देखो इस आयरन को अगर मैं चेक करूँ तो 2 से 3 में गया तो चेंज हो गया 1 का इंटू नंबर ऑफ एटम 1 प्लस सब का ले लेना ऐड करना है। कार्बन का चेक करूं तो 3 से गया 4 में, चेंज हुआ 1 का, एटम है 2 प्लस, ऑक्सीजन का माइनस टू सेम ही रह गया तो चेंज 0 का हुआ इंटू 4, इसलिए ऑक्सीजन का मैं नहीं लेता हूं। तो ये पूरा आपका कैलकुलेशन इसका इनफैक्टर देगा, तो कितना गया ये 1 और इधर ये 2, तो 3 हो जाएगा इसका इनफैक्टर। तो इस तरीके से आपको करना है, हर एक एक एलिमेंट को पकड़ना है और उसका चेंज निकाल लेना है और इनटू नंबर ऑफ एटम जिसका आप निकाल लो। तो आई होप ये आपको एन फैक्टर निकालना बहुत इजी लगा होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन में क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्रोडक्ट विच इज नॉट ऑब्टेंड, ध्यान दें, विच इज नॉट ऑब्टेंड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। तो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज ब्राइन सॉल्यूशन, तो यू नो NaCl एक्वस, जब वाटर में आप सॉल्ट को NaCl को डिजोल्व कर देंगे तो उसको बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। तो राइट यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो आपका एनायन कौन है Cl माइनस, कैटायन कौन है Na प्लस, और वाटर आपके पास तो है ही राइट क्योंकि एक्वस है। नाउ द क्वेश्चन इज आपको क्या ट्रिक बताया था, एनोड पे एनायन जाएंगे तो ये एनायन है, ये आपका एनोड पे जाएगा और एनायन CbI का पार्ट है तो यही रिड्यूस ऑक्सीडाइज हो जाएंगे तो क्या मिल जाएगा Cl2 गैस राइट। और कैथोड पे आपका कैटायन जाएगा बट कैटायन छापा का पार्ट नहीं है तो ये आपका रिड्यूस नहीं होगा तो वाटर रिड्यूस होगा, और वाटर रिड्यूस होगा तो क्या मिलेगा H2 गैस राइट। और OH- आपको रहेंगे क्योंकि ऑक्सीजन का कोई चेंज नहीं करना आपको ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आप ध्यान से देखो तो नॉट ऑप्टेंट पूछा है, क्या क्लोरीन मिलेगा यस ये मिलेगा, क्या H2 मिलेंगे यस मिलेंगे, OH- यस मिल रहा है और Na+ है तो NaOH बन जाएगा तो ये भी होगा, डेट मीन्स HCl आपको नहीं मिलने वाला है इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा B। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 अगेन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन, फिर से पूछा गया ब्राइन सॉल्यूशन के बारे में क्या करेक्ट है, तो यही सेम पॉइंट। तो ध्यान से देखो क्या हो रहा है, क्या कह रहा है क्लोरीन एट कैथोड तो गलत हो गया, क्लोरीन कहाँ पे मिलेगा एनोड पे तो ये ऑप्शन गलत, O2 एट कैथोड तो O2 तो खैर मिलेगा नहीं कैथोड पे, कैथोड पे क्या मिल रहा है आपको हाइड्रोजन, H2 एट एनोड
तो ये भी क्या हो जाएगा गलत। तो ध्यान से देखो, ये सब चीज़ें एग्जाम में क्या होती है, प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। कैथोड पे क्या होगा, एनोड पे। जबकि रफ़ी सर के सिंपल ट्रिक से कैथोड पे कैटायन जाएंगे, एनोड पे एनायन जाएंगे, वहाँ से कर सकते हो। ब्रायन सोल्यूशन है तो एनायन सी एल माइनस है, तो एनोड पे एनायन जाएंगे तो सी एल टू, तो इसलिए एनोड पे सी एल टू होना चाहिए, इसलिए ये गया। और कैथोड पे कैटायन जाएंगे, कैटायन छापा का पटने तो हाइड्रोजन, इसलिए आपका ये सी एल टू और ओ टू गया। ओ एच माइनस साइड कैथोड, तो ये सब देख सकते हो, कैथोड पे आपको ये रिएक्शन हो रही है तो ओ एच माइनस भी प्रोड्यूस हो रहा है, राइट। तो इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपका, करेक्ट हो जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री, कि अमाउंट ऑफ फैराडेज, एफ मतलब फैराडेज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन वन मोल ऑफ आयरन फ्रॉम दिस। इस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ते ही बच्चे क्या हो जाते हैं, सोचने लगते हैं ये क्वेश्चन कैसे करें। लेकिन बहुत ईजी, ध्यान से देखो, आपको फैराडेज निकालना मतलब इक्विवेलेंट निकालना है, राइट। कितने के लिए, वन मोल ऑफ आयरन फ्रॉम Fe3O4, तो Fe3O4 से आपको क्या लेना है, आयरन निकालना है। नंबर ऑफ फैराडेज मतलब इक्विवेलेंट निकालना है, जितना इक्विवेलेंट होता है उतने फैराडेज होता है। इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, तो आपको मोल गिवन है, मोल कितना आपको ध्यान से देखो, मोल हो गया 1 इंटू एन फैक्टर। तो रिएक्शन के केस में एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, ये भी ट्रिक आपको दे रखा हूँ। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे आयरन का तो क्या जाएगा, 8/3, और यहाँ पे कितना है, 0। तो चेंज कितने का हो गया, 8/3 का इंटू नंबर ऑफ एटम, हमें निकालना है किसका, आयरन का। आयरन का कितना एटम है, 1, तो इंटू 1, तो कितना हो जाएगा, 8/3, डेट इज 2.67। सो ऑप्शन ए। ऑलवेज रिएक्शन के केस में चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इंटू नंबर ऑफ एटम जिसका निकाल रहा हो, अगर इसका निकालते तो नंबर ऑफ एटम 3 लेते, राइट, और मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे इन फैक्टर में, तो आपको इक्विवेलेंट या फैराडेज आ जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 में ध्यान से देखो, अगेन फैराडेज पूछ रहा है मतलब इक्विवेलेंट पूछ रहा है। टू रिड्यूस वन मोल, मोल गिवन है Cr2O7-2 Cr+3, तो आप ये रिएक्शन लिखो, Cr2O7-2 से कहाँ जाना है, Cr+3 में। हमें निकालना किसका हो ध्यान दे, क्वान्टिटी ऑफ फैराडेज का, टू रिड्यूस वन मोल ऑफ दिस, इसका वन मोल, तो मोल हो गया 1। एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो चेंज कितने का ध्यान से देखो, 6 से 3 में जा रहा है, चेंज हो गया 3 का, इंटू नंबर ऑफ एटम, इसकी बात कर रहे हैं तो एटम कितना है, 2, तो 2, तो कितना हो जाएगा, 6। सो ऑप्शन विल बी बी। लेकिन अगर वही इसका पूछता तो क्या हो जाता, इसका मोल्स गिवन होता, राइट, इसका मोल्स जो भी मान लेते हैं एक्स, इंटू चेंज तो अभी भी वही रहता है 3, लेकिन नंबर ऑफ एटम यहाँ पे एक ही है तो 1 होता। बस ये पॉइंट को ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 इज इलेक्ट्रोलाइज यूजिंग ए करंट ऑफ 9.65 एम्पियर फॉर 16 मिनट एंड 40 सेकेंड के लिए, तो आपको वॉल्यूम ऑफ गैस बताना है एट STP। अब ये सब क्वेश्चन को देखते ही बच्चे क्या कर देते हैं, लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ देखो, कितने सिंपल वे में मैं कर रहा हूँ, उसी ट्रिक से। आपको क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, करंट का और टाइम का, तो क्या हम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, ट्रिक बता रखा हूँ। अगर करंट और टाइम गिवन हो तो इक्विवेलेंट क्या होगा, ध्यान से देखो, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू करंट 9.65 एम्पियर इंटू टाइम, टाइम सेकंड में लेना है, 16 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, राइट, तो 96 प्लस 40 मतलब 1000 सेकंड हो गया ये, डिवाइडेड बाय क्या करना है, 96500 से। तो इसका डेसिमल से आप इधर नीचे 100 कर सकते हैं, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल कर सकते हैं, ये 965 से ये 10 टाइम्स में, तो डायरेक्ट देखो 1/10 इक्विवेलेंट हो गया, डेट इज 0.1 इक्विवेलेंट हो चुका है आपका। नाउ किसको इलेक्ट्रोलाइज कर रहे हैं, तो H2SO4 को, तो H2SO4 से क्या क्या मिलने वाला है, H+SO4-2, यू नो कैटायन कहाँ जाएंगे, कैथोड पे, CC आपको दिया था ट्रिक, कैटायन कैथोड पे, और आपको क्या मिल जाएगी, हाइड्रोजन गैस। एनायन कहाँ पे जाएंगे, एनोड पे, लेकिन ये CBI का पार्ट नहीं है, तो वाटर ऑक्सीडाइज होगा तो क्या मिलेगा, O2 गैस। तो पहले तो क्या क्या प्रोडक्ट मिलेंगे वो भी आपको बता रखा हूँ, राइट। तो कैथोड पे आपको हाइड्रोजन गैस मिल रही है, एनोड पे ऑक्सीजन। यू नो कि एट ईच इलेक्ट्रोड इक्विवेलेंट विल बी सेम, तो इसलिए मैंने ये इक्विवेलेंट निकाले, इसका मतलब हाइड्रोजन का कितना इक्विवेलेंट है, 0.1, ऑक्सीजन का कितना इक्विवेलेंट है, 0.1, दोनों का इक्विवेलेंट सेम होगा। अब इक्विवेलेंट से क्या मैं मोल निकाल सकता हूँ, तो यस डेफिनेटली, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है, मोल इंटू एन फैक्टर, हाइड्रोजन का एन फैक्टर बता रखा हूँ, एक हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, दो हाइड्रोजन है तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से मोल आपका क्या आ गया,
बताओ मेरे को मोल कितना गया, 0.1/2। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो क्या हो जाएगा, मोल इंटू एन फैक्टर, ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं राइट, तो ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, दो ऑक्सीजन है तो चार, तो क्या हो जाएगा एन फैक्टर 4। तो यहाँ से मोल कितना हो गया ऑक्सीजन का बताओ, 0.1/4। तो देखो आप दोनों के आपको क्या आ गए हैं, मोल आ चुके हैं। यहाँ पे दोनों का इक्विवेलेंट सेम था, मोल सेम नहीं होते हैं ये ध्यान देना, सॉरी ये इक्विवेलेंट आपको आ चुका था। अब मोल आ गया, यू नो एसटीपी कंडीशन पे वन मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाई 22.4 लीटर। अगेन आपको क्या रहा है कि इसमें सेंटीमीटर क्यूब, वन सेंटीमीटर क्यूब कितना होता है 1 ml। तो यू नो एसटीपी पे अगर मैं बात करूं तो वन मोल ऑफ एनी गैस 22400 ml हो जाएगा राइट। तो इतना मोल का वॉल्यूम कितना होगा बताओ, 0.1 × 2 × 22400। और सिमिलरली अगर इसका निकालूंगा तो कितना हो जाएगा बोलो, 0.1/4 × 22400। तो ये इतना वॉल्यूम आपको आ जाएगा राइट। इस पॉइंट से एक जीरो कैंसिल भी कर सकते हो, और यहाँ से 2 × 1 × 2 × 2 × 2 × 2 राइट, तो 1120 ml आपका हाइड्रोजन का वॉल्यूम मिलने वाला है। और अगर इसका कैंसिल करोगे आप तो कितना आ जाएगा, 4 × 5 = 20 × 24, तो ये हो जाएगा 560। तो ये 560 ml आपको ऑक्सीजन का मिलने वाला है। लेकिन आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया, सिर्फ बोला वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोड्यूस एट एसटीपी, तो इसका मतलब दोनों इलेक्ट्रोड का आपको बताना है। अगर वो मेंशन करता कि वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनोड, तो फिर एनोड मतलब आपको ऑक्सीजन का वॉल्यूम बताना होता, वॉल्यूम प्रोड्यूस एट कैथोड तो फिर आपको हाइड्रोजन का बताना होता। यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया तो दोनों का बताना है। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा बताओ, 1120 + 560 राइट, तो आपको इतना ml मिलने वाला है। तो ये जस्ट मैं एक आपको आइडिया देना चाह रहा हूँ राइट। मैं 100 क्वेश्चन तो नहीं करा सकता, लेकिन मैं एक आइडिया देना चाह रहा हूँ कि आप 100 क्वेश्चन को कैसे कर लोगे इजीली मेरे इस सिंपल ट्रिक से। ऑलवेज क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उससे आप इक्विवेलेंट निकाल लो, और एक बार आपको इक्विवेलेंट आ गया तो वो हर इलेक्ट्रोड पे वही इक्विवेलेंट रहने वाला है। फिर उसके बाद उस इक्विवेलेंट को यूज कर लो मोल इनटू एन फैक्टर से या अदर फार्मूले से, डिपेंडिंग कि आपको चाहिए क्या। यहाँ पे हमें मोल चाहिए था क्योंकि वी नो कि वन मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाई 22.4 लीटर, इसलिए हमने मोल इनटू एन फैक्टर का फार्मूला लगाया। एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करना ये ट्रिक में दे रखा हूँ। तो मोल आ गया, मोल आ गया तो फिर उससे मास पूछता, अगर यहीं पे मास पूछता तो मास भी निकाल सकते थे। ध्यान से देखो, यहीं पे अगर मास पूछता तो मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करके मास। तो इसलिए मैं बस एक बताना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन का कंसेप्ट एक होता है लेकिन क्वेश्चन इन्फिनाइट हो सकते हैं राइट। तो आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी क्वेश्चन को कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि फाइंड मास एट कैथोड, कैथोड पे मास बताना है अगर 44.8 लीटर क्लोरीन प्रोड्यूस हुआ है एनोड पे एट एसटीपी वाया इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस एजीसीएल। तो अगेन देखो इस क्वेश्चन को मैं कैसे इजीली कर रहा हूँ, मेरा हर वक्त या हर क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट रहता है कि हमें इक्विवेलेंट निकाल लेना है। यहाँ पे इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, देखो ध्यान से, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद क्या पूछा है वो बाद में, पहले इक्विवेलेंट निकालना है। इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या इन्फॉर्मेशन है, वॉल्यूम गिवेन है क्लोरीन का एसटीपी पे, तो मोल इनटू एन फैक्टर से, तो 44.8 को मैं डिवाइड कर दूं 22.4 से, तो ये मोल आ गया राइट। और इनटू एन फैक्टर किसका इन्फॉर्मेशन गिवन है, क्लोरीन का, क्लोरीन का एन फैक्टर कितना 2 राइट, क्यों, एक क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, दो क्लोरीन है तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो इक्विवेलेंट आ गया आपको। इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा ध्यान से देखो आप, तो ये 2 टर्म्स में तो 4 इक्विवेलेंट। एक बार अगर आपको इक्विवेलेंट आ गया तो जितना इक्विवेलेंट इसका होगा उतना ही इक्विवेलेंट कैथोड पे भी होगा। अब आप सोचो कि AgCl है तो Ag प्लस है आपके पास, Cl माइनस है राइट, ये कैटायन कैथोड पे आएंगे और ये छापा का पार्ट है तो यही रिड्यूस होगा, और ये एनायन एनोड पे आएंगे और ये CbI का पार्ट है तो यही ऑक्सीडाइज होगा। तो इसलिए क्लोरीन के बारे में दिया कि इतना क्लोरीन प्रोड्यूस हुआ एनोड पे राइट। तो जितना इक्विवेलेंट इसका है 4 इक्विवेलेंट, तो वही कहना चाह रहा हूँ इसका भी कितना होगा 4 इक्विवेलेंट। ये मैंने ट्रिक में बोल रखा है, सबके इक्विवेलेंट सेम होते हैं। अब अगर इसका हमें क्या निकालना है, मास, तो इक्विवेलेंट मालूम है तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ फिर से मोल इंटू एन फैक्टर, बोलो लिख सकता हूँ, मोल इंटू एन फैक्टर लिख दिया सर,
तो मोल नहीं मालूम है तो वो निकालना है। मान लिया कि मोल एक्स, एन फैक्टर ए जी का मालूम है, यस देखो ए जी प्लस वन से जीरो में जा रहा है तो चेंज कितने का, वन, और नंबर ऑफ एटम तो एक ही है राइट ए जी में, तो एन फैक्टर इसका कितना हो जाएगा, वन। तो यहाँ से मोल्स भी बाय द वे कितना आ गया आपको ए जी का, बोलो ए जी का मोल्स भी आ गया आपको, एक्स की वैल्यू आ गई 4 मोल्स। अब क्या ए जी की मोल्स आए तो मास नहीं निकाल सकते क्या, डेफिनेटली निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, इसीलिए मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4 × 108, क्योंकि आपको ए जी का एटॉमिक वेट गिवन है। तो ये जितना भी आ जाएगा कितना आ जाएगा 432 ग्राम। तो ध्यान से देखो क्वेश्चन को, अगेन आई एम रिपीटिंग, बहुत ईजी होगा, आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में उससे निकाल लेना इक्विवेलेंट। और इक्विवेलेंट कैसे निकालना आपको ट्रिक दे रखा हूँ इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। एक बार इक्विवेलेंट निकल गया तो वही इक्विवेलेंट कैथोड पे भी होगा और एनोड पे भी होगा, राइट। प्रोडक्ट कैसे एनालाइज करेंगे, क्या मिलेगा कैथोड एनोड पे, उसके लिए मैं सिंपल फर्स्ट लेक्चर में आपको बता रखा हूँ। एक बार आपको वो पता लग गया, एन फैक्टर कैसे निकालना है वो भी पता लग गया, तो मोल्स आ जाएगा, मोल्स आ गया तो उससे मास आ सकता है, उससे एटम, जरूरी नहीं कि ये मास से पूछा, अभी पूछता है कि नंबर ऑफ एटम, तो 4 × क्या हो जाता है एन ए, राइट। तो इस टाइप से कुछ भी पूछा जाए तो आप इजिली कर लोगे। ज्ञान की बात में मैं आपको एक ऐसे बंदे से मिलाने जा रहा हूँ जिसका कहना हम लोग आज तक मान रहे हैं, डैट मीन्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फैराडेज लॉ। तो देखो इसका कहना बहुत सिंपल था, इनका कहना था कि जितना ज़्यादा चार्ज आप पास करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में उतना ज़्यादा मास डिपॉजिट या लिबरेट होगा इलेक्ट्रोड पे। तो अकॉर्डिंग टू हिम W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज पास्ड, राइट। और इसलिए इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कॉन्स्टेंट उन्होंने यूज किया, डैट इज W इज इक्वल टू Z × Q, वेयर Z इज वॉट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ओके। और यू नो जो करंट होता है I, वो चार्ज पर यूनिट टाइम होता है, तो Q इज इक्वल टू I × T, तो इसलिए मैं W को ऐसे भी लिख सकता हूँ Z × I × T। तो ये फार्मूला आपको कब यूज करना है, जब आपको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट गिवन हो तभी आप यूज करेंगे करंट एम्पियर में और टाइम सेकेंड में, तो आपको मास डिपॉजिट या लिबरेट आ जाएगा इलेक्ट्रोड पे, ओके। नाउ जेड का अगर निकालने का बात आए तो कैसे निकालेंगे, तो इक्विवेलेंट वेट को डिवाइड कर देना 9650 से। ये फार्मूला कैसा आया तो उसको भी समझाता हूँ। तो ये तो उसका कहना था, उसका सिंप्लीफाइड वर्जन इधर है। वी ऑलरेडी नो इक्विवेलेंट कैसे निकाल सकते हैं, मोल इंटू एन फैक्टर से, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू IT/9650, राइट। तो मोल को मैं क्या लिख सकता हूँ, गिवन वेट बाय मॉलिकुलर वेट इंटू एन फैक्टर इज इक्वल टू IT/9650। हमें वेट निकालना, वेट को इस साइड रखा, मॉलिकुलर वेट उस साइड जाएगा, एन फैक्टर डाउन में जाएगा, तो मॉलिकुलर वेट बाय एन फैक्टर 9650 एज इट इज IT। तो कभी भी मॉलिकुलर वेट में एन फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो उसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट। तो ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट वेट बाय 9650 इंटू करंट इंटू टाइम। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ आपका W है, राइट, यहाँ भी W है वेट, यहाँ पे I × T है, यहाँ पे भी आपका I × T है। तो इसका मतलब Z किसके बराबर है, इक्विवेलेंट वेट बाय 9650, जिसको मैंने यहाँ लिखा है। तो कभी भी Z निकालना हो तो इक्विवेलेंट वेट को 9650 से डिवाइड कर दो। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, मॉलिकुलर वेट में डिवाइड कर देंगे N फैक्टर से, N फैक्टर आपको कैलकुलेशन बता रखा हूँ। और 9650 कहाँ से आया, तो यू नो 1 फैराडेज इज इक्वल टू 9650 कूलम, राइट। इन्होंने 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज को अपने नाम पे 1 फैराडे कर दिया था, राइट। तो आई होप आपको ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अच्छे समझ में आया होगा। आप इस पे बेस जितने भी PYQs हैं इजीली कर सकते हो रफी सर्किट ट्रिक से। थैंक यू।